पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले सुरेंद्र चौधरी ने बीते मंगलवार को बीजेपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, करप्शन के आरोप लगाए। लेकिन अब यह मामला अदालत पहुंच चुका है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सुरेंद्र चौधरी को एक नोटिस भेजा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं। सर, करप्शन की बात हुई, भाई भतीजावाद की बात हुई, परिवारवाद की बात हुई, सुरेंद्र चौधरी ने उस दिन बहुत सारे एलिगेशंस लगाए आप पर, अब आप ये लड़ाई कानूनी ले जा रहे हैं? आरोप लगाना बहुत आसान होता है और आरोप सिद्ध करना, और वो भी झूठे आरोपों को, वो बहुत मुश्किल होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, किसी के विरुद्ध मन घड़ंत आरोप लगाता है, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखे। मैंने माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अधिवक्ता, मेरे वकील, उन्होंने नोटिस भेजा है कि जो झूठा प्रोपेगेंडा, जो झूठे आरोप और ये जो पूरा षड्यंत्र किया गया है, इसके लिए वो 7 दिनों के अंदर अंदर बिना शर्त माफी मांगे, वरना अदालत में सिविल मानहानि का दावा भी ठोका जाएगा और क्रिमिनल केस भी माननीय उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा। ये लीगल नोटिस हमारे अधिवक्ता एडवोकेट नवयुग सेठी जी ने भेजा है। सर, इस घटना के बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में रुकी है, कि क्योंकि ये भी डर आपको सता रहा है कि कहीं 2024 के चुनाव से पहले कई और नेता जो है वो दूसरी पार्टियों में न जाए, और डैमेज कंट्रोल दूसरी पार्टियों को रोकने के लिए, अपने नेताओं को दूसरी पार्टियों में जाने से रोकने के लिए भी एक्सरसाइज चल रही है। नहीं, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर किसी के खिलाफ गलत झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए तो वो झूठे प्रोपेगेंडे को, उसका पर्दाफाश करने के लिए वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई दूसरी पार्टी शामिल होते वक्त जो झूठा आरोप और प्रोपेगेंडा किया है, उसके लिए उन्हें अब कानून का सामना करना पड़ेगा, उनको अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, या तो उनको वो सिद्ध करने पड़ेंगे, तो अगर नहीं सिद्ध करेंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। रविंद्र जी, उस दिन आरोप ये भी लगे थे कि बीजेपी मैं बीजेपी छोड़कर आने वाले नेताओं पर कई तरह के दबाव होते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल दबाव नहीं होते बल्कि जो यहाँ की मशीनरी है, चाहे वो अफसर हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो भी दबाव बनाती है कि वो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में ना जाएं, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, तो क्या ये चीज़ भी आपने इनकॉर्पोरेट की? देखिए, मैंने पहले कहा झूठे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन्हें सिद्ध करना, क्योंकि वो झूठ होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल होगा, इसलिए ये चीजें उनको पब्लिक डोमेन में तो उन्होंने बोली, लेकिन वो उसका जवाब देना, नाम लें, नाम किसी का नहीं, उनको नाम लेना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, और नेता जो है वो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में ना जाएं, क्योंकि उससे दो चीजें होंगी, एक तो बीजेपी की जो आप
थोड़ा सा जम्मू शहर में एक बदनामी हो सकती है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरा 2024 के इलेक्शंस को हैम्पर हो सकता है। तो क्या कोई एक्सरसाइज की गई है कि और कोई नेता छोड़कर ना जाए और बीजेपी इंटैक्ट रहे? आपका कुंबा बहुत बड़ा है ना। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव या जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव आयोग विधानसभा के चुनावों का निर्णय लेगा, या इसके अलावा पंचायत चुनाव हों, शहरी निकाय चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन नेता ना जाए इसके लिए? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं और कि भारतीय जनता पार्टी में और विस्तार हो, पोलिंग बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरे जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है, और जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। कितना समय दिया आपने सुरेंद्र चौधरी को जवाब देने? जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने 7 दिन का वक्त उनको दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड वो माफी मांगे, बिना शर्त लिखित में वो अगर माफी मांगते हैं तो उनको इस कानूनी प्रक्रिया से वो बच सकते हैं, वरना उनको वो सारे जो तथ्यहीन आरोप, बेसलेस एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए हैं, उन सारे आरोपों को उन्हें अदालत में सिद्ध करना पड़ेगा। अदालत में सिद्ध करना पड़ेगा, और 7 दिन का समय दिया गया है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेल रही है, और जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाए हैं, अब ये मामला अदालत में पहुंच गया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है, और अब देखना यह होगा कि इसके जवाब में सुरेंद्र चौधरी क्या कुछ तथ्य सामने रखते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय भाषले, बीपी न्यूज जम्मू। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज़ पर।